हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं एक और न्यू जर्नी। हमारा ये जर्नी जो है एक स्पेसिफिक ब्लॉग के तौर पे आने वाला है, जो कि काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड होगा। इवन सेवन पार्ट्स में आई थिंक डिवाइड होगा, जिसमें हम कटरा से माता वैष्णो देवी से कटरा, और फिर बाबा अमरनाथ, सबसे इम्पोर्टेंट यात्रा जो कि बाबा अमरनाथ का करने वाले हैं, तो वो यात्रा भी हम आपको दिखाएंगे। तो ब्लॉग पूरा देखिएगा। तो चलते हैं फिलहाल वैष्णो देवी जी का दर्शन करने के लिए। मिलते हैं आगे। पूरा कटरा बस स्टैंड, अगर आप एयरपोर्ट या जम्मू किसी भी स्थान से आते हैं, तो ये है कटरा का बस स्टैंड। यहाँ पर आके आपको उतरना होगा और यहीं से आपकी यात्रा असल में चालू होती है। तो चलिए हम चलते हैं। अभी हम रुके हैं कटरा के एक होटल में यहाँ पे खाना खाने के लिए। यहाँ से खाना खाने के बाद हमारा ये प्लान है कि हम डायरेक्टली आज ही माता जी के मंदिर के लिए चढ़ाई करेंगे। तो चलिए खाना खाते हैं, आपसे मिलते हैं। ये है पूरा मंदिर के जाने के लिए रास्ता। यहाँ से होती है हमारी यात्रा स्टार्ट। यहीं से हमें होटल वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है, जो कि हमें स्टे करने के लिए यहाँ पे मदद करती है। और यहाँ पे होटल का जो प्राइस है अप्रॉक्स 500 से लेके 1000 रुपये के आसपास है, या आप उससे ज़्यादा में भी जा सकते हैं, जैसा आपका बजट हो। ये पूरा देख सकते हो, चेक पोस्ट के लिए जाने के लिए लाइन, आप काफ़ी लंबी लाइन है। आप वहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं, पूरा दूर लाइन है और नीचे भी लाइन है। तो चलिए आपको कंटिन्यू वहाँ से करवाएंगे। और ये है माता जी का एंट्रेंस। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी प्रॉपर यात्रा। यहाँ से हमें अपनी आईडी दिखानी होती है, और जो बुकिंग किया हुआ हमारा कोड है वो भी दिखाना होता है। वैष्णो देवी जी आ रहे हैं, तो एक चीज़ का बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ध्यान रखें, वो ये है कि आप लैपटॉप वगैरह यहाँ पर ना लेके आएं। बिकॉज अगर आप लैपटॉप वगैरह लेके आते हैं तो वो बाहर ही जमा करना पड़ जाता है, जिसका कॉस्ट वो 150 रुपये लेते हैं। तो आप लैपटॉप वगैरह अगर आ रहे हैं लेकर, तो आप अपने होटल में ही उसे रख दें। भाई यहाँ पे घोड़ों वालों की अलग ही धांधली चालू है। अगर यहाँ पे ऑफिशियल रेट जो है वो है 1250 रुपया, पर ये लोग ऑफिशियल ना जाके आपसे बार्गेनिंग करेंगे 2500, 2000, 1500, ऐसे आपसे बार्गेनिंग करेंगे। पर यहाँ पे काउंटर है, काउंटर पे आके आप अपना घोड़ा जो है बुक करें, जिसका प्राइस होता है 1250 रुपया। ये वो काउंटर है जहाँ से आके आप बुक कर सकते हैं। ये गंगेश भैया, इन्होंने डिसाइड किया कि पैदल ना चल के घोड़े से जाने का। तो चलो भैया बाय, आ रहा हूँ। इन्होंने डिसाइड किया कि पैदल ना जाने का, तो घोड़े से जा रहे हैं और मैं चलूँगा चल के। तो चलिए माता जी का नाम लेते हुए जय माता दी। अभी बज रहे हैं 8:30, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ मेरा अकेले का रास्ता तय। तो अभी हमने स्टार्ट किया है, तो अप्रॉक्स अगर हम नॉर्मल भी चलते हैं तो 5-5.5 घंटे में हम पूरा भवन तक जा सकते हैं। तो चलिए रास्ते में लंगर वगैरह भी आपको दिखाते, जैसा भी रहेगा आपकी यात्रा पूरी दिखाते। कुछ दूर आप चल के आएंगे तो आपको यहाँ पे पड़ेगा बाण गंगा। इस तरीके से आपको नीचे जाना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि जब माता भैरव जी से बचकर यहाँ से जा रहे थे, तब इन्होंने यहाँ पे प्यास बुझाने के लिए बाढ़ चलाकर गंगा जी को ये किया था। यहाँ प्रॉपर नहाने के लिए मोटर से भी पानी लाया जाता है,
और यहाँ पे प्रॉपर आके आप स्नान कर सकते हैं। तो चलते हैं अब आगे की तरफ और वहाँ का भी आपको दृश्य दिखाते हैं। बाणगंगा का हमने फिलहाल दर्शन कर लिया है, तो चलिए चलते हैं आगे। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप एक इस तरीके की स्टिक अगर आप लेकर आते हैं तो घर से अच्छी बात है, अदरवाइज़ यहाँ से भी आके आप एक 20 रुपये का परचेस कर सकते हैं जो कि पैदल यात्रा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको। हालांकि रास्ते की साफ सफाई भी काफ़ी अच्छी मेंटेन की जाती है, आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरे रास्ते में म्यूल्स आते जाते रहते हैं तो उनके मल यहाँ पर गिरते रहते हैं, तो उसे टाइम से साफ भी किया जाता रहता है। जय माता जी। हमारा अर्ध कुंवारी तक ट्रैक हो चुका है डन, तो अर्ध कुंवारी बस अप्रॉक्स 500 मीटर ही होगा, तो चलिए अर्ध कुंवारी में मिलते हैं आपसे। अगर आप अर्ध कुंवारी तक पहुंच जाते हैं और यहां से आपको अगर बैटरी कार लेनी है तो आप नीचे ही वहां पर टिकट काउंटर पे जाकर बैटरी कार बुक कर सकते हैं और ऐसी बैटरी कार से आप पूरा भवन तक जा सकते हैं। यहाँ से ठीक नीचे देख सकते हैं आप कटरा सिटी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। अभी मैं पहुँच चुका हूँ हेमकुंड। हेमकुंड से माता जी का भवन अप्रॉक्स 3 किलोमीटर है। ये है धोसा पॉइंट हेमकुंड, यहाँ पे कैंटीन है, आप डोसा वगैरह ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल तो रस देख सकते हैं। हेमकुंड से जैसे ही आप आगे आते हैं तो आपकी एक सिक्योरिटी चेकिंग की जाती है, जो कि बैग वगैरह आप में क्या लेके जा रहे हैं वो उसमें चेक किया जाता है, इसके बाद वहाँ से आपको चेकिंग के बाद पास किया जाता है। तो हेमकुंड से अभी 3 किलोमीटर है भवन, तो अप्रॉक्स ढाई घंटे लग सकते हैं। तो चलिए भवन तक तो आ चुके हैं, यहाँ से अभी सिर्फ 2 किलोमीटर का ही ट्रैक रह चुका है, तो देखते हैं वो भी फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी थोड़ी चढ़ाई स्टीप हो गई है तो बैठना पड़ रहा है बार बार, पर जल्दी कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे लैंडस्लाइड एरिया में हमारे भाई लोग फोटो शूटिंग कर रहे हैं, अगर एक पत्थर गिरा तो शायद ही बचेंगे। भवन तक तो आ गए हम। फिलहाल
अभी सीन ऐसा है कि मंदिर तक तो पहुंच गए और यहाँ हमारे पास होटल ये सब तो नहीं है, तो ऐसे फुटपाथ पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। माता जी की यात्रा करने आए हैं तो होटल का मजा ले ऐसा जरूरी नहीं है। तो आज की ब्लॉग को यहीं पे करते हैं और मिलते हैं कल सुबह आपसे। चलिए, गुड नाइट।